आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी पे कैसे असर पड़ता है, आइए आज समझने की कोशिश करें। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उनका आकार बिगड़ जाता है, वो टूटने लगते हैं बहुत आसानी से, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई आपके बॉडी में पहुंचने में दिक्कत होती है। सिकल सेल एनीमिया दोनों पुरुषों में और महिलाओं में अपना असर फर्टिलिटी कम करके भी दिखा सकता है। लेकिन एक बच्चे को अगर सिकल सेल एनीमिया हो रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों पेरेंट्स, दोनों माता और पिता दोनों कैरियर्स होंगे, यानी कि जेनेटिकली दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे में ये प्रॉब्लम आया है। पुरुषों में इस प्रॉब्लम का असर फर्टिलिटी पे कैसे होता है देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया की वजह से पुरुषों में देखा गया है कि टेस्टिस डैमेज हो सकते हैं जिसकी वजह से स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सब पर असर हो सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं इन प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कम हो जाना जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन में भी कटौती होती है और देयरफॉर इनफर्टिलिटी भी हो सकता है। महिलाओं में ये असर और ज्यादा तीव्र होता है और विविध प्रकार से इसका इफेक्ट हो सकता है। ये ऑक्सीजन कम होने की वजह से, हर टाइम एनीमिया होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स में जो ऑक्सीजन होता है वो ओवरीज के फंक्शन को भी कम कर सकता है, रिड्यूस्ड ओवेरियन फंक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से अंडा ठीक से रिलीज नहीं हो सकता है, पीरियड्स ठीक से नहीं होते जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो सकता है। यही नहीं, जब ऐसी महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो इनमें प्री टर्म लेबर यानी कि 9 मंथ्स के पहले ही डिलीवरी हो जाना, प्री एक्लैम्सिया या फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन भी देखा गया, यानी कि बच्चा ठीक से माँ के कोख में ठीक से बढ़ नहीं सकता है। ट्रीटमेंट पहले तो होता है कि इसका जो एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सिकल सेल एनीमिया के साथ, जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसे पहले मैनेज किया जाता है, यानी कि पेन को मैनेज करना, इन्फेक्शंस को मैनेज करना, ऑर्गन अगर कोई और भाग डैमेज हो रहा है तो उसे मैनेज करना, ये सब मैनेज करने पर आप अपने फर्टिलिटी को थोड़ा बहुत प्रिजर्व कर सकते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम होने पर IVF भी सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें आप जब एम्ब्रियोज बनाते हैं उन एम्ब्रियोज को जेनेटिकली टेस्ट किया जाता है। जब IVF में ये एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं उस एम्ब्रियो में से छोटे से भाग को निकाल के जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है, और फिर जब रिपोर्ट आता है तब पता लगता है कि इस एम्ब्रियो में सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम है या नहीं। जिस एम्ब्रियो में प्रॉब्लम नहीं है उस एम्ब्रियो को वापस गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है। इस प्रोसीजर को, इस एनालिसिस को PGD या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस या प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग फॉर मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। इसकी वजह से नॉर्मल एम्ब्रियो गर्भ में डालकर आपके चांस ऑफ हैविंग अ नॉर्मल बेबी बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है तो पहले तो आपको एक रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट या फर्टिलिटी कंसल्टेंट से मिलना चाहिए, आपके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में डिस्कस करना चाहिए और आपके लिए तब बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान सजेस्ट किया जाएगा। इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।